नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर में। आपको मैं पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस बता चुका हूं, जो कि एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। अति लघु उत्तरी प्रश्न इसमें आएंगे और 3 घंटे का होगा, पूर्णांक 150 का और प्रश्न लगभग 150 आएंगे। इसमें आप एक बार फिर देख लीजिए, भाषा हिंदी 40 अंक, विज्ञान 10 अंक, गणित 20 अंक, पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान 10 अंक, शिक्षा कौशल 10 अंक, बाल मनोविज्ञान 10 अंक, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं 30 अंक, तार्किक ज्ञान 5 अंक, सूचना तकनीकी 5 अंक, जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति 10 अंक। तो मैंने ये पिछले वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। आज मैं बताऊंगा सामान्य ज्ञान इस क्वेश्चन में क्या रहेगा। तो सामान्य ज्ञान में देख लीजिए, ये 30 अंक की आने वाली है पूरी, और इसमें समसामयिक महत्वपूर्ण घटना है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेश, यानी कि अंतरराष्ट्रीय घटना है राष्ट्रीय और प्रदेश। इसके लिए आपको रेगुलर तरीके से आपको पेपर पढ़ना है। पेपर में क्या पढ़ना है आपको, फ्रंट पेज और जो अंतरराष्ट्रीय पेज होता है उसको आपको रेगुलर रीड करना है, अंतरराष्ट्रीय वाला, और एक राष्ट्रीय पेज भी होता है उसको भी रेगुलर रीड करना है। कुल मिला के आपको पेपर डेली पढ़ना है और उसमें से जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो निकाल करके आपको लिख लेनी है। ठीक, ये आप रेगुलर स्टार्ट कर दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 अंक की सामान्य ज्ञान आने वाली है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मासिक जो पत्रिका है, लगभग पिछले मान के चलिए 3 महीने का, पिछले 3 महीने का करंट आने वाला है, और जो जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो आप लिख सकते हैं, लूसेंट वगैरह से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको उपकार प्रकाशन की भी आती है, वहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है यहाँ पे। और स्थान, स्थान मतलब कौन सी चीज कहाँ पे स्थित है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद होना चाहिए। व्यक्तित्व किसी महापुरुष के बारे में आ सकता है, या नोबेल प्राइज किसने पाए हैं इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्यक्तित्व के आधार पे पुरस्कार संबंधित आ सकते हैं, पुरस्कार किसको दिया गया, किस व्यक्तित्व को पुरस्कार दिया गया, इससे आ सकती हैं। और रचनाएं, रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये रचनाएं लास्ट 6 मंथ की आप देख सकते हैं, 6 महीने की जो रचनाएं हुई हैं, जो भी पुस्तकें आई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। खेलकूद में, खेलकूद पेपर पढ़ते रहिए, और उसमें खेलकूद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट से ही आते हैं, तो करंट खेलकूद आप पेपर पढ़ते रहिए, उससे आपको मिल जाएंगे। और खेलकूद के लिए आप कोई पत्रिका भी पढ़ सकते हैं, इसमें उनके बारे में दिया हो, जैसे क्रिकेट के बारे में दिया हो, या कोई रिकॉर्ड दिए हो, हॉकी के बारे में दिया हो, कबड्डी के बारे में दिया हो, जो ट्रेंडिंग में खेल चल रहे हैं उनसे ही पूछा जाता है। और हमें यह ध्यान रखना है, हमें तैयारी जो करनी है वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय करनी है। इसमें प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रदेश से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, तो आप यूपी विशेष अवश्य पढ़ें। कोशिश करूंगा मैं आपको इसका लिंक उपलब्ध करा दूं, जिससे आप वो बुक आसानी से पढ़ पाए। और अगला है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें, इतिहास भूगोल में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। कला से संबंधित जैसे जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं आपके, जैसे नृत्य संबंधी, कहाँ का कौन सा नृत्य है, तो ये दोनों जो टॉपिक हैं इससे प्रदेश लेवल का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप भारतीय संस्कृति और कला दोनों में प्रदेश लेवल का उत्तर प्रदेश विशेष जरूर आप पढ़ें, और इसमें कहाँ किस किस राज्य में कौन सा नृत्य है, वहाँ की संस्कृति कैसी, वहाँ कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, आदि चीजें आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है, और ये 30 अंक आपको बहुत ही अच्छी सफलता दिला सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की,
जो है पर्यावरण का, वो भी आपका जो है 10 अंक का आने वाला है, 10 अंक का पर्यावरण भी आने वाला है। इसमें आपको भूगोल और पॉलिटी से संबंधित चीजें आएंगी। तो इसमें आप जैसे पृथ्वी की संरचना, नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौर मंडल, ये भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करेंगे, आप उन क्वेश्चनों को ज्यादा देखेंगे जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए, चाहे वो संविधान, भारतीय संविधान के हों, चाहे भूगोल के हों, ये नॉर्मली। और जो पिछले दिनों अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, वो आपको जरूर पढ़ लेने हैं, और उससे आपको क्वेश्चन श्योर उससे मिल जाएंगे जो कि पिछले 5 6 साल की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो उनको आप देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेबस उन्होंने दिया हुआ है वो काफी लार्ज लग रहा है और अंक सिर्फ 10 हैं, लेकिन ये 10 10 अंक आपको अगर जुटाने हैं तो आपको मेन मेन चीजें पढ़नी जरूर पड़ेंगी। तो और एक है विज्ञान, विज्ञान ये भी 10 अंक का आने वाला है, ये भी 10 अंक का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञान में जो सिलेबस उन्होंने दिया है दैनिक जीवन में विज्ञान, ये आपको कक्षा 6 7 और 8, ये जो प्राइमरी और जूनियर, जूनियर में जो चलती हैं किताबें, उनसे आपको मिल जाएगा। ये 8 तक की किताबें आप अगर भूगोल की पढ़ेंगे और विज्ञान की पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त चीजों की आवश्यकता नहीं है और वहीं से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जैसे गति मिल जाएगा आपको, बल मिल जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी, प्रकाश और ध्वनि मिल सकता है। जीवों की दुनिया, ये आपको विज्ञान में मिल जाएगा। 6 7 8 की विज्ञान आप पढ़ लीजिए, इतना पर्याप्त है, क्योंकि पेपर जो आएगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में वो 6 7 8 और कुछ NCERT बेस्ड भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि इंटरमीडिएट स्तर का, DLED स्तर का पाठ्यक्रम इन्होंने दिया है। क्योंकि विज्ञान, विज्ञान जैसे सब्जेक्ट जो है वो 6 7 8 की किताब आप पढ़ लें, वो पर्याप्त है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लूसेंट भी देख सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आपको मेन मेन चीजें पढ़ लेनी है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो भी आप स्टडी करें, वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो पिछले पेपर हुए हैं, चाहे जो भी हुए हों, उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि वहां से आने की ज्यादा उम्मीद है। और नॉर्मली पेपर वही लोग सेट करते हैं, तो सबसे लार्ज सिलेबस पर्यावरण सामाजिक अध्ययन का यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 6 7 8 की इसमें भूगोल, 6 7 8 की इसमें भूगोल भी पढ़ सकते हैं आप, और इससे भी क्वेश्चन आने की बहुत उम्मीद है। और जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, और आप पिछले वर्षों के पेपर निकाल के आप देख सकते हो, चाहे वो किसी भी उसके हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, तो वहां से आप देख लीजिए भूगोल के, विज्ञान के और सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉर्मली वहीं से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ये 3 पार्ट थे, पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, दूसरा पार्ट पर्यावरण सामाजिक अध्ययन, तीसरा पार्ट विज्ञान का। तो विज्ञान आपने अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और कुछ चीजें हैं जैसे भाषा और हिंदी का, इन्होंने 40 अंक का बताया था कि 40 अंक का आएगा, इसमें कंप्रेंशन आएगा, अपठित वाक्यांश आएगा, उसमें आप एक दो सेट हल कर लेंगे तो आपका स्वतः ही आपको उसमें आ जाएगा। और कुछ चीजें इसमें शब्दों का ज्ञान होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, वो आप देख लें। सिनोनिम एंटोनिम पर्यायवाची और विलोम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कंप्रेंशन में दिया होता है कि इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, तो हमारे चले जाते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो हम उसका अध्ययन कर लें। और इसमें जो 20 अंक की गणित आएगी उसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल लेके आऊंगा आपके लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाल मनोविज्ञान आपने पढ़ी हुई है, और मेरे मैंने ट्यूटोरियल भी बनाए हुए हैं बाल मनोविज्ञान का, मैं एक बार फिर से रिव्यू आपको कर दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और तार्किक ज्ञान के लिए जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सूचना तकनीकी, इससे भी लिमिटेड क्वेश्चन आएंगे 5 अंक के, लेकिन कहाँ से आएंगे ये मैं आपको स्टडी करके बताऊंगा। फिलहाल आप अगर शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भाषा और हिंदी है
जो भाषा और हिंदी है वो आपको 40 अंक और सामान्य ज्ञान वो आपको 30 अंक। सामान्य ज्ञान आपको पढ़ना है, इससे आपका पर्यावरण अध्ययन भी ये कंप्लीट होगा और जो भी चीजें इनकी आएंगी कुल मिलाकर के आप सामान्य ज्ञान पर ज्यादा फोकस कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जीवन कौशल और शिक्षण कौशल है ये आपकी बाल मनोविज्ञान से संबंधित होगा, तो बाल मनोविज्ञान ये मान के चलिए 10 10 एंड 10, तो 30 अंक की बाल मनोविज्ञान आने वाली है, तो उसको आप कायदे से पढ़ते रहें, कायदे से रीड करते रहें। ये कुछ चूंकि आपको अति लघु है, इसमें आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जो आपको आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान, सामयिक घटनाएं, इतिहास, भारतीय संविधान या हमारी अर्थव्यवस्था, जो भी चीजें हैं, भूगोल है, उससे संबंधित क्वेश्चन मैं लाने का प्रयास करूंगा जो आगामी एग्जाम में आने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, मैं ऐसे ट्यूटोरियल लाता रहूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।